भारतीय सेना के सर्वोच्च पदक परमवीर चक्र से सम्मानित, जो सैन्य सेवा तथा उससे जुड़े हुए लोगों को दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान है। ये पदक शत्रु के सामने अद्वितीय साहस और परम शूरता का परिचय देने पर दिया जाता है। दोस्तों, मेजर धन सिंह थापा का योगदान हम कैसे भूल सकते हैं। ये वो भारतीय सैनिक हैं जिन्होंने न केवल देश की सेवा की बल्कि भारत देश को अपनी कर्तव्य निष्ठा और वीरता से गौरव महसूस कराया। टीम मिक्स्ड माइंड्स ऑफिशियल आपको 1962 में हुए सिनो इंडियन युद्ध से रूबरू कराते हुए मेजर धन सिंह थापा का योगदान महसूस कराएगी। दोस्तों, ये बात है चुशुल हवाई क्षेत्र की, जो कि लद्दाख के दक्षिण पूर्व में स्थित है। उसकी रक्षा के लिए डी कंपनी, जिसमें 28 सैनिकों का दल था, इसकी कमान मेजर धन सिंह थापा के हाथों में थी और उन्होंने अपनी बटालियन को सिरजापी दक्षिण क्षेत्र के अक्साई चिन क्षेत्र और यूला क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाया, जो कि चीन के कब्जे में था, और वहीं से थापा को चुशुल हवाई क्षेत्र की रक्षा करनी थी, जो 48 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था। दोस्तों, जब युद्ध में चीन के सैनिकों को मेजर धन सिंह थापा और उनके साथियों ने मार गिराया, तो चीनी सरकार ने अधिक सैनिक भेजकर 3 भारतीय सैनिकों को बंदी बना लिया, जिसमें से एक धन सिंह थापा भी थे। और जब भारतीय सरकार को यह पता चला, तो युद्ध के बाद उन्हें नवंबर 1962 को रिहा कर दिया गया। लेकिन उससे पहले ही उनके वीरतापूर्ण कार्य के लिए 20 अक्टूबर 1962 को उन्हें सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। टीम मिक्स्ड माइंड्स मेजर धन सिंह थापा और उनके वीर साथियों को नमन करती है।